तो जैसे इन बच्चों को हमने एजुकेट किया, पढ़ाया लिखाया और आगे 12th का रिजल्ट आपके सामने, तो वैसे ही सर आपके बच्चे के लिए ये सुविधा देंगे कि उनको मंथली पेमेंट पेरेंट्स का लोड कम हो और कुछ मदद मिले, सहयोग मिल सके। तो ये इसमें सिलेक्शन होने के बाद जो है ये सारी चीज़ें बच्चों को मिल पाएगी, उनके पेरेंट्स को हम लोग दे पाएंगे। सेकेंड प्राइज एक लेकर कर रहे हैं, ये दो बच्चों का द्वारा खड़े हो जाएंगे बच्चे, इन दोनों बच्चों के द्वारा शुरू किया गया यह संगठन आपको और हमको इन बच्चों को देख के या तो शर्म होना चाहिए या फिर गौरवान्वित महसूस ये करना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी सोच कितनी है। इन बच्चों की सोच नहीं सर अनोखी पाठशाला को जन्म दिया है, इन दोनों बच्चों की वजह से आज अनोखी पाठशाला की इतना बड़ा कार्यक्रम लेकर के हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं और इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने काम अच्छा किया चेक आपको मिला है? मिला। किन की तरफ मिला है? अनोखी पाठशाला की तरफ से। क्यों मिला है? पढ़ने के लिए। कितने का मिला है? 2000। क्या नाम है आपका? सूरज भान कुमार। ये चेक मिला आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ने के लिए सहयोग हुआ। और ये अपने लिए ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे के लिए ले रहे हैं? नहीं, अपने लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी IAS सेकंड ईयर में हैं। आगे क्या करना है? आगे मेडिकल करना है। सूरज भान जी जो आपके पुत्र हैं उनको अभी ये चेक मिला अनोखी पाठशाला की तरफ से, आपका क्या कहना है? हमको कहना है कि संस्था इनको पुरस्कृत किया है, इनको उत्साहन किया है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़े और और लोग को भी आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ रहती है? अच्छा, अभी ये आपको क्या मिला? किसने दिया? क्या कीजिएगा इस चेक का? आपको क्यों मिला है? ये पढ़ने के लिए मिला है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सिक्स में। आगे क्या करना है? पढ़ना है। ये अनोखी पाठशाला आपको ये चेक दिए पढ़ने के लिए, कैसा लगा? अच्छा लगा। आप अभी ये बच्ची को चेक मिला है पाठशाला अनोखी पाठशाला की तरफ से, हम इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? कैसा लगा सर अभी चेक मिला आपकी पुत्री को पढ़ने के लिए? अच्छा लगा सर, ये संस्था गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर होगा। हाँ, और ये कारगर है और ये संस्था आपके गांव में पहली बार आई है? नहीं, पहली बार। आपको कैसा लगा? और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहले पहले हमारे पास ही आए थे, हमने ही सबको बताया, यहाँ पे एकत्रित किया सबको, बताया कि ये अच्छा संस्था है, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में कारगर होगा, गरीब बच्चा आगे से आगे पढ़ाई कर सकेगा। आगे क्या उम्मीद करते हैं? और भी लोग आपकी तरह आएंगे? आएंगे, सपोर्ट करेंगे? नहीं, अच्छा चीज़ है तो लोग आएंगे ही। चलिए, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या नाम है बाबू आपका? ये आप, ये क्या मिला आपको? क्यों क्यों मिला है? क्या बनिएगा? डॉक्टर बनिएगा? अच्छा लगा। और ये संस्था आपकी मदद करेगी पढ़ने में बच्चों को? हाँ, कैसे कर ही रही है और करेगी भी। और ये आपके गांव में पहली बार आई है और पहली बार लोग इतना विश्वास में खड़े भी हुए हैं, आगे क्या लगता है? संस्था अच्छी काम करेगी, आगे भी अच्छी काम कर सकता है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अब तो इसका भविष्य जब बने। अच्छा, बच्चे की इच्छा है कि डॉक्टर बने। डॉक्टर बने। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। चलिए, ठीक।